बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करीब 2:30 बजे राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मिलने जाएंगे। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी और 6 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का पत्र देकर बीजेपी राज्य में फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। इस बीच केंद्रीय पर्यवेक्षक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने साफ कर दिया है कि उप मुख्यमंत्री केवल एक होगा। बीजेपी ने गोपाल कांडा से भी पल्ला झाड़ लिया है। कांडा से बीजेपी ने बनाई दूरी, 6 निर्दलियों का साथ। एयर होस्टेज सुसाइड केस में आरोपी और चुनाव में जीते गोपाल कांडा के समर्थन को लेकर बीजेपी ने स्थिति साफ कर दी है। दरअसल नतीजे आने के बाद कांडा के समर्थन को लेकर बीजेपी के भीतर ही विरोध शुरू हो गया था। हालांकि आज रविशंकर प्रसाद ने साफ कह दिया है कि गोपाल कांडा से पार्टी कोई समर्थन नहीं ले रही। उन्होंने आगे बताया कि कौन मंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, यह सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद तय करेंगे। शपथ कब होगा इस पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल से आमंत्रण मिलने के बाद शपथ पर फैसला होगा। उन्होंने यह भी बताया कि 6 निर्दलियों का समर्थन बीजेपी को मिला है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।